नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, अभी इस वीडियो में हम वर्तनों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का प्रश्नावली 12.1 को सोल्व करेंगे। कक्षा 10 का ये हम भी सोल्व कर रहे हैं। सर्वप्रथम बच्चों, हम इसके सारे सूत्र देखते हैं, कौन कौन से सूत्र अभी इस प्रश्नावली को सोल्व करने में हम काम में लेंगे। यहाँ पर बच्चों, पहला सूत्र है हमारा वृत्त की परिधि। परिधि इज इक्वल्स टू पाई गुणा व्यास, या त्रिज्या के फॉर्म में देखें तो 2 पाई आर होता है। दूसरा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेंगे, रिंग का क्षेत्रफल। पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए रिंग कैसे बनती है। देखिए, यहाँ पर अंदर में एक वृत्त है, इसके बाहर में एक वृत्त है। इन दोनों के बीच का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो यह क्या कहलाता है? हमारा रिंग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल आर रिंग की बाहरी त्रिज्या है, यानी सेंटर से लेकर इसके यहाँ तक की दूरी। स्मॉल आर रिंग की आंतरिक त्रिज्या है, यानी सेंटर से लेके इसके आंतरिक वृत्त तक की दूरी। चलिए दोस्तों, हम इसके क्वेश्चनों पर आते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बच्चों, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो बच्चों, यहाँ पर परिधि की बात हो रही है, यानी हमें परिधि निकालनी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा वो यहाँ पर पहले मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताना चाहूँगा। देखिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 19 है सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और एक तीसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। और कंडीशन क्या है? इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि का योग किसके इक्वल टू है? इस तीसरे यानी नए वृत्त के इक्वल टू है। तो कैसे सोल्व करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ, दिया है आर वन इज इक्व टू 19 सेंटीमीटर, वह आर टू, सॉरी ये 6 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरी गलती होती है यहाँ पर बार बार, पहले भी इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को गलत कर चुका हूँ। 9 सेंटीमीटर, ओके। चूँ हम जानते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त की परिधि इज इक्व टू 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर प्रथम वृत्त की परिधि इज इक्व टू 2 पाई आर1 होगी। आर1 का मान 19 है, तो 2 पाई 19, 19 गुना 2 कितना होता है? 38, और ये पाई किस में आएगा? सेमी में। ओके बच्चों, और इसमें क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम वह द्वितीय वृत्त की परिधि कितनी होगी बच्चों? 2 पाई आर2। आर2 का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो 2 पाई 9 कितना? 9 गुना 2 18 पाई किस में आएगा? सेमी में। अब बच्चों, हम यहाँ पर मानेंगे नए वृत्त की त्रिज्या आर डैश,
तो नए व्रत की परिधि क्या आएगी, 2π r d। अब प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न में क्या दे रखा है, नए व्रत की परिधि इज इक्वस टू प्रथम व्रत की परिधि प्लस द्वितीय व्रत की परिधि। प्रथम व्रत की परिधि यहाँ पर कैलकुलेशन किया हमने, कितना आया है, 38π। दूसरे व्रत की परिधि कितना आया है, 18π। ये सोल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा, इनको ऐड करते हैं तो 38 प्लस 18 56, और ये पाई, यानी 2π r d इज इक्वस टू 56π। तो r d इज इक्वस टू कितना आएगा, 56π/2π। बच्चों ये इसके साथ इस तरफ गुणा में है, ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। देखिए बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 56 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 28। यानी नए व्रत की त्रिज्या हमें पूछी गई थी, वो आ गई हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ लिखेंगे नए व्रत की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 28 सेमी। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें कहा गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इसमें सेमी बात बोली गई है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ये वृत्त है ये वृत्त है। एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8, और दूसरे की हमें 6 दे रखी है। एक नया वृत्त बनाते हैं, इन तीनों में रिलेशन क्या है, नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वहाँ पर तो क्या दे रखा था, पहले क्वेश्चन में परिधि दे रखी थी, परिधि का रिलेशन दे रखा था, यहाँ क्षेत्रफल का रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना आना चाहिए बच्चों, क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। दिया है r1 इज इक्वल टू 8 सेमी व r2 इज इक्वल टू 6 सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, π r² होता है, अर्थात प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल π r1² r1 बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 64, तो कितना आ गया, 64π, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, π r2 का स्क्वायर। r2 कितना है, 6, तो π 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36, यानी तो कितना आ गया ये, 36π, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ लिखेंगे हम, माना नए वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल्स टू r d। नए वृत्त की त्रिज्या क्या माना हमने, r d माना, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, π r d का स्क्वायर। अब आते हैं हम प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या आएगा बच्चों, जो यह क्षेत्रफल है नए वृत्त का क्षेत्रफल किसके इक्वल टू है, प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है। देखिए उस वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इसका क्षेत्रफल किसके इक्वल टू है, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के इक्वल टू है। और इनका वैल्यू हमने ऊपर निकाला है तो ये वैल्यू रख देते हैं, कितना,
64 पाई और कितना 36 पाई, ये कितना आता है हमारा 100 पाई। कितना पाई आर डेस का स्क्वायर इज इक्व टू 100 पाई, तो आर डेस स्क्वायर इज इक्व टू 100 पाई बाई पाई। पाई देखिए गुणा में है, इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए आर डेस चाहिए। तो हम जानते हैं स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड स्क्वायर हटाने पर दूसरी साइड रूट आ जाता है, यानी अन रूट 100। कितना होगा बच्चों 10 सेमी। तो हमारे पास नए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेमी। और यहाँ पर लिख देंगे देखिए रूट हटा स्क्वायर हटाते तो यहाँ हमारा रूट निकलता, तो रूट किस में आता प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं क्यों, तो यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे चूंकि त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। त्रिज्या क्या होती है बच्चों, एक दूरी होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ध्यान रखिए हमेशा प्लस होती है। क्या आपने कहीं ऐसा लिखा होगा कि आपके लिखा देखा होगा कि दूरी अब आपकी -3 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर लिखा होगा, 1 किलोमीटर लिखा होगा, 300 मीटर लिखा होगा, 100 मीटर लिखा होगा, लेकिन लिखा क्या होगा प्लस में लिखा होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप बोलेंगे कमेंट में तो इसको मैं अलग से सोल्व करा दूंगा, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, और ये किससे सोल्व होगा अपने उस रिंग के सूत्र से जो कि मैंने आपको बताया था। अब मैं सीधा चौथा क्वेश्चन आपको सोल्व करके देता हूँ। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट काम में लेना है, बाकी फॉर्मूले वही लगेंगे जो कि हमारे वृत्त के हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का पहिया कैसा होता है, वर्ताकार होता है। इसका व्यास कितना दे रखा हमें 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अनुसार पहले लिख देंगे, यहाँ दिया है व्यास, पहिए का व्यास लिखना है, यहाँ पहिए का व्यास पूरा लिखना 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 80/2 कितना 40 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार 1 घंटे में तय दूरी कितनी है 66 किलोमीटर। देखिए क्या दे रखा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटे में कितना जाएगा 66 किलोमीटर। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस त्रिज्या को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। बच्चों यहाँ पर सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखिए, सभी राशियों की यूनिट समान होनी चाहिए, यानी या तो मीटर होना चाहिए या सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना आसान रहता है, इसलिए हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 100 का भाग देते हैं, तो कितना आ गया 40/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, 4/10 को क्या लिख सकते हैं 0.4 मीटर। तो बच्चों अब हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में तय दूरी, और 1 किलोमीटर में बच्चों कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से गुणा कराते हैं, तो ये मीटर। तो अब हमें 1 मिनट में तय दूरी निकालना है, तो कितने आएगी, देखिए 60 मिनट में इतनी दूरी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा 60 को इस तरफ भाग में भेज देंगे, तो 0 से 0 कट गया, कितने बार कटा 11 बार, 11 × 100 कितना 1100 मीटर, ये 1 मिनट में दूरी तय करेगा। अब हमने 1 मिनट की दूरी बच्चों क्यों निकाली, इसका भी एक कारण है, कारण क्या देखिए, चक्रों की संख्या
संख्या इज इक्वल टू होता है हमारा। और बच्चों यहाँ पर देखिए 10 मिनट की बात की गई है, किसकी बात की गई है, 10 मिनट की बात की गई है, तो हमें दूरी किसमें निकालनी है, 10 मिनट की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों साइड 10 से गुणा करा देंगे। तो कितना आएगा 10 मिनट की, इसको 10 से गुणा कराएंगे 1 मिनट को, तो 10 मिनट हो गया, इधर भी 10 से गुणा होगा, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर देखिए 11,000 मीटर। ओके, तो चक्रों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल तय दूरी बटे पहिए की परिधि। तो बच्चों यहाँ पर किस में लेना है, 10 मिनट में चक्रों की संख्या, और वो भी किसकी है, प्रत्येक पहिए की, ना कि सभी की, सभी का योग नहीं लेना, प्रत्येक की, यानी पर्टिकुलर एक पहिया की बात कर रहे हैं हम, या लिख देंगे प्रत्येक पहिए के 10 मिनट में चक्रों की संख्या, यहाँ लिखेंगे पूरा प्रत्येक पहिए के 10 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी, कुल तय दूरी, 10 मिनट की बात की जा रही है तो कुल दूरी कौन सी लेंगे जो 10 मिनट की है, 1100। पहिए की परिधि वर्ताकार है तो 2πr, आर कितना पड़ा देखिए 0.4। अब बच्चों यहाँ पर पाई को क्या लिख सक क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए 22/7 और ये गुणा 2 और ये गुणा 0.4, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ध्यान रखिए जब नीचे से पॉइंट हटता है, नीचे संख्या होती है पॉइंट हटा तो ऊपर 0 आता है, मतलब 1 के बाद 0 आता है, 2 के बाद पॉइंट होता है, 2 के बाद 0, ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे हमारा यहाँ पर 10-20 ऐसे, सॉरी 10-100 ऐसे आता है। ओके, ये पॉइंट हटाने का नियम है। अब बच्चों ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और इसके अलावा ये 11 से कटता है कितनी बार, 1000 बार, और ये 11 से कितनी बार कटता है 2 बार, ये 7 आ गया ऊपर तो कितना हो गया 7000 गुणा 10, ये 7 यहाँ आएगा तो देखिए ये कितनी बार कटा 1000 बार, 11 से 22, 11 से कितनी बार कटा तो 7 ऊपर आ गया, तो 1000 गुणा 7 कितना 7000, और ये हमारा 10 पड़ा है, तो नीचे मैं यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 तो कितना 16। ओके, अब हमें यहाँ में 16 का भाग देना है, तो बच्चों यहाँ पर चक्रों की संख्या कितने आ गई 4375। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, यदि आप इसको इतना मैथमेटिक्स आपको अच्छा है तो, देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 7000 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1000, 1000 को अगेन लिख दिया 250 गुणा 4, 10 को लिख दिया 2 गुणा 5, तो यहाँ पर 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 8 से 16 दो बार कट गया, 2 से ये कितना बार कट गया 125 बार। अब 125 को 5 से गुणा कराते हैं तो 725, 725 को 7 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4375 चक्कर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप क्या होता है परिधि, और ये किसके इक्वल टू है क्षेत्रफल के, तो पाई से पाई गया बच्चों, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है आर, तो ये कट गया तो कितना आ गया आर इज इक्वल टू 2 मात्र की, हमें इसमें वृत्त की त्रिज्या ही पूछी है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों अभी इस वीडियो में हमने अपना 12.1 पर्सनवाली कंप्लीट किया, और दोस्तों अन्य पर्सनवाली के आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। यह वीडियो आपको समझ आया है नहीं आया है ये भी बताइए,